आगे परमेश्वर को बोलता हूँ, प्रभु मैं मेरी जिंदगी में, मेरी आराधना में, मेरी परिवार में, मेरी फैमिली लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में, सब में तुझे प्रथम स्थान देना चाहता हूँ। हमारी कलिशा में यीशु का प्रथम स्थान है, हमारी आराधना में यीशु का प्रथम स्थान है। आपको इसी टाइम अपनी जिंदगी को देखना है, अगर आप अपनी बातों में, आदतों में, सोचों में, विचारों में किसको प्रथम स्थान देते, किस चीज को प्रथम स्थान देते, उस परमेश्वर के प्रोसेस में आप बैठे जो आपकी जिंदा परमेश्वर है, आपकी मरा हुआ जिंदगी को नई जीवन दे सकते हैं, आपको ऐसे गड्ढों से बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे परमेश्वर के प्रोसेस में बैठा है आप। बहुत बार हम हमारी आराधना में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देता। उस दाऊद जब परेशान था, उस परमेश्वर को और प्रार्थना करा, रोया, प्रभु मुझे बचा। परमेश्वर आया, दाऊद को बचाया, उस गड्ढे से उसको बचाया, उस परेशानियों से, चारों तरफ से उसको एनिमी घेर रखा था, उसके शत्रु उसको चारों तरफ से घेर रखा हुआ था, वो कहीं बाहर नहीं निकला था, निकल नहीं पा रहा था। जब यीशु आया, जब पवित्र आत्मा आया, यहोवा आया, सेनाओं का यहोवा, उसको मदद किया, अपनी गड्ढों से बाहर निकाला, अपनी एनिमियों से बाहर निकाला। आज हो सकता है आपकी एनिमी अलग अलग तरीके से आपको जिंदगी को घेर रखे होंगे, हो सके आप कर्जों में, परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में, पापों से आपको गिर रखा है सातान। आप निकलना चाहते हैं अपनी इस पाप भरे हुए जिंदगियों से, आप पवित्रता में अपनी जिंदगी को जीवन देना चाहते, जीवन बीतना चाहता है, बट आप निकल नहीं पा रहा। आप अकेला अपनी अपनी देह की का ताकत से आप निकलने की कोशिश करेंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। आज जो परिस्थिति में, जो सिचुएशन में, जो ट्रबल में आप है, हो सकता है बाहर से आपको सब कुछ अच्छा दिखते होंगे, हो सकता है आपकी दुनिया, आपके लोग, आस पड़ोसी लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा आप कौन सी प्रॉब्लम से जा रहे हैं, हो सकता है आप बाहर से स्टाइलिश वंडरफुल दिखते होंगे, ऐसे घर के समान है आप, जिस घर पे सारी फर्नीचर है, सब चीज है, बट लोग नहीं रहता, वो केवल एक बिल्डिंग है, घर नहीं बनता। एक बिल्डिंग वेल फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड है, बाहर से सब कुछ अच्छा देता, सारे फैसिलिटी उसके अंदर है, बट उसके अंदर लोग जब तक नहीं रहेंगे उसको घर नहीं बुला सकता। सेम वे आपकी घर, आपकी आपकी फैमिली लाइफ, सब चीज बाहर से अच्छा दिखते होंगे, बट यीशु मसीह जब तक नहीं है वो एक ब्लेस्ड लाइफ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को आपकी जिंदगी में बुलाइए आज के दिन में, बोल दे प्रभु मुझे तू चाहिए, मेरी जिंदगी में तू चाहिए, मेरी बिजनेस में तू चाहिए, मेरे परिवार में तू चाहिए, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में तू चाहिए। बाहर से केवल सब चीज अच्छा दिखने से नहीं होगा प्रभु, मुझे केवल तू चाहिए पिता, मैं तुझे आराधना करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरी जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, वो जब परेशान में था, जब वो प्रॉब्लम में था, यीशु आया, उसकी जिंदगी में अद्भुत काम किया। बाहर से दिखने से नहीं होगा, बाहर से चार बंदे को आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, पर जब तक यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है वो कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए आज जिंदा परमेश्वर आपको मुर्दों से, आपकी प्रॉब्लम से, पाप भरा हुआ जिंदगियों से, सोच विचारों से बाहर आपको निकाल सकते हैं। हो सकता है आपकी पड़ोसी की, आपके भाई की जरूरत परमेश्वर के लिए अलग होगा, बट आपके लिए अलग हो सकता है। इसलिए आज इसी टाइम में परमेश्वर को बोलिए, यीशु मेरा यहोवा, मेरा अब्बा, मेरा परमेश्वर, तुझे मेरी जिंदगी में जरूरत है, मुझे तेरा जरूरत है, मेरा पिता मुझे तेरा जरूरत है, मुझे तेरा जरूरत है, मुझे तेरा जरूरत है। उसी गाने हम गाएंगे, हर मरा हुआ सिचुएशन से परमेश्वर हमें निकाल सकता है, हर प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको निकाल सकता है। जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, अगर आप जानते नहीं हो दाऊद कौन है, बाइबल में इजराइल के सेकंड किंग है, इजराइल के सबसे ताकतवर किंग था वो, सबसे ज्यादा लड़ाई इजराइल के लिए जीता हुआ किंग था वो, राजा था वो, सबसे पावरफुल किंग था, बट वो भी ऐसे बहुत टाइम में अपनी जिंदगी में परेशानी को फेस किया, वो इसराइल की परमेश्वर की ओर अपने चेहरे को उतारा और ऊपर अपनी स्वर्ग के ऊपर से उसको हेल्प आया। आज आप अपने स्वर्ग के ऊपर अपनी चेहरा हमारा बहुत बार नीचे, क्योंकि इतनी पापों से, इतनी सोचों से, परेशानी से हम हमारे चेहरे दिखे नीचे देखते बस परेशानी में, बट आज आप अपनी चेहरे ऊपर उठा के, दोनों हाथों को भी ऊपर उठाओ, चेहरे को भी ऊपर उठा के, आंखों को बंद करके बोल दो, इसराइल के परमेश्वर जिस तूने दाऊद को हेल्प किया, तूने दाऊद की परेशानी के टाइम में खड़ा था, मेरी परेशानी तू जानता है, तू मेरा पिता है। अगर आप यीशु को अपने पिता के रूप में जानते हैं, आपकी प्रॉब्लम के टाइम में आपके साथ है, आप ताना मारेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे, आप गुस्सा करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे, आप नम्र होके इज़राइल के परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना करो। एक राजा होने के नाता दाऊद ने अपनी आंखों को ऊपर उठा के प्रार्थना किया, राजा होने के नाता उसने अपनी प्राइड से प्रार्थना नहीं किया, अपनी गंभीरता से, अपनी घमंड से प्रार्थना नहीं किया, ना अपनी डेकोरेशन के साथ प्रार्थना किया, ना अपनी एटीट्यूड के साथ प्रार्थना किया, उसने खुला होके अपनी इज़राइल के परमेश्वर को बोला, बस मेरी जिंदगी के ऊपर आश्रित है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये परेशानी है,
अपने अपने चेहरे आप स्वर्ग के ऊपर उठाओ, अपने चेहरे नीचे नहीं, ना 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 सड़क ना धरती की तरफ, बट चेहरा ऊपर उठा के आप चेहरा ऊपर उठाओ, चेहरा ऊपर उठा के इसराइल के परमेश्वर के ऊपर देखो। बोलते हैं मेरा हेल्प तेरी ओर से आएगा पिता परमेश्वर। हम मंडली इकट्ठे होके, कलेशे इकट्ठे होके प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स जो है आज मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको लग रहा है जो चारों तरफ से आपको एनिमी घेर रखा है, चारों तरफ से प्रॉब्लम है, चारों तरफ से ट्रबल है, आपको दाऊद जैसे परमेश्वर प्यार करता था पर आज आप पीछे हट गए। आपको दाऊद जैसे परमेश्वर प्यार करता था, वो मास्टर था, आप उसका सेवक थे, बट आज ना आप मास्टर है, ना आप सेवक है। यीशु अभी भी आपका मास्टर हो सकता है, बट आपने नौकरी छोड़ दिया उस दुकान से। यीशु परमेश्वर आपका पिता था, बट उस घर से जहां पिता यीशु था उस घर आपने छोड़ के जा चुका है। हो सकता है कलीसिया में आप अभी भी आते जा रहे होंगे, बट यीशु आपके बीच में नहीं है। आप ऐसे काम किए, ऐसे बात किए, एनिमी आपको घेर लिया। पहले जब एनिमी करते थे परमेश्वर आपका यहोवा हीरे बन के खड़े होते थे, आज प्रॉब्लम के टाइम में यीशु नहीं है आपके साथ, इसलिए आज परमेश्वर को मनाना पड़ेगा। आपको वापस आपकी जिंदगी में आ सकते हैं उसके प्रेजेंस, उसकी ग्रेस, उसकी मर्सी आपके ऊपर आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। अगर आपको लगता है परमेश्वर आपसे बात करके साल बीत गया, दिन बीत गए, महीने बीत गए, यीशु आपकी प्रेजेंस में नहीं है, उसके प्रेजेंस आप कभी फेल्ट नहीं कर पा रहा हूं, फील नहीं कर पा रहा हूं, इसी टाइम यीशु से मांग सकते हैं, प्रभु बहुत टाइम हो गया तू मुझसे बात नहीं किया, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मेरी स्थिति में तू है ही नहीं प्रभु, मैं अपनी दिमाग लड़ा रहा हूं, अपनी स्ट्रेटजीज लगा रहा हूं, अपने आइडियाज लगा रहा हूं, बट प्रभु मुझे तू चाहिए, मेरी जिंदगी में तू चाहिए, मेरी प्रेजेंस में तू चाहिए। अगर आप सच्चे मन से माफी मांगेंगे परमेश्वर से, एकदम से परमेश्वर के प्रेजेंस वापस आएंगे। कुछ टाइम आपको मनाना पड़ेगा, एक दूसरी बंदा आपके जिंदगी से छोड़ के जाने के बाद भी वापस सेम रिलेशनशिप चाहिए, आपको मनाना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, बट मेरा यीशु मसीह इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है, आपके एक वन इन्विटेशन चाहिए। बोले प्रभु मैं जैसे वो सेम रिलेशन आपके साथ बनाना चाहता हूँ जैसे पहले मेरे साथ था, मैं सेम ग्रेस में चलना चाहता हूँ पहले मेरे साथ था, मैं डबल ग्रेस में जाना चाहता हूँ परमेश्वर। वादाएं कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, नए एग्रीमेंट में जा सकते हैं आप और परमेश्वर। आपको इंडिविजुअली इसी टाइम परमेश्वर बात करे बहुत बहुत लोगों से इसी टाइम में, आपको आप जानते हैं क्या वादा आपको बनाना, क्या वाचा बनाना, कौन सी रास्ते से मुड़ के जाना है, कहाँ से यू टर्न लेके आना है, कौन सी संगति में नहीं बैठना है, किसके साथ बात नहीं करना है, कौन सी एसोसिएशन में नहीं जाना, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। किसको आप प्रीति करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको आप सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप खुश रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं, प्रॉब्लम के टाइम में वो नहीं होंगे आपके साथ, आपके साथ यीशु मसीहा होंगे। जिसको आप खुश कराने की कोशिश करते हैं वो नहीं होंगे, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है आपको बचाने के लिए, वो खुद नहीं बच सकता, तो आपको क्या बचाएंगे। आदमियों के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उम्मीद ना रखो, परमेश्वर यीशु के ऊपर, जहां से आपकी हेल्प आता है यीशु का, और से आपका हेल्प आएंगे, उसकी स्वर्ग की ओर से आपको हेल्प आएंगे, उसी के और अपनी अपनी सिरों को उठा के, सिरों को लिटरली आप उठा के उस स्वर्ग के ऊपर देखो, दोनों हाथों को उठा के आराधना करो, बोलो प्रभु मुझे तू चाहिए, प्रेजेंस मुझे वापस चाहिए। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ बहुत टाइम से, परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी जिंदगी में नहीं है, हो सकता है दिन होंगे, एक दिन भी परमेश्वर मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं गड़बड़ाता हूँ, परमेश्वर क्या हो गया, क्यों तेरी प्रेजेंस मेरे साथ नहीं है, क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहा, क्या गलती है, क्या एटीट्यूड है, क्या बात ऐसे निकला। आपको भी सेम एटीट्यूड के साथ परमेश्वर के प्रोसेस में जाना है प्रभु, और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं आपकी गलती क्या है, कहां कहां माथा टेकते हो, क्या क्या खाते हो, क्या क्या बात निकलते हो, किस किस को खुश करने की कोशिश करते हो, कौन सी अनहोली अलायंसेस में आप जाते हो। आज परमेश्वर दिल से बात करेगा, He is a God who will speak to your hearts and minds. वो लॉजिक से नहीं, आपकी दिल और दिमाग से भी बात करेंगे, बट आपकी दिल को अपने हाथ में लेना चाहता है मेरा परमेश्वर। आज उस परमेश्वर को अपने दिल दो, बोलो फादर प्लीज मेरी जिंदगी में दोबारा तेरी प्रेजेंस मुझसे दोबारा बात करना शुरू कर, तेरी ग्रेस मेरी जिंदगी में कार्य करना शुरू कर। मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको बीमारी से परेशानी से हटाने के लिए, बट परमेश्वर के प्रेजेंस नहीं है, परमेश्वर के प्रेजेंस नहीं है तो ना कलीसिया केवल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, आपकी जिंदगी केवल केवल एक बाहर से देखने के लिए एक फैमिली हो सकता है। परमेश्वर के प्रेजेंस नहीं है तो आप इफेक्टिव नहीं हो सकता, फ्रूटफुल नहीं हो सकता, फलवंत नहीं हो सकता। हो सकता है आप फ्रूटफुल इसलिए नहीं है परमेश्वर के प्रेजेंस नहीं है, फलवंत इसलिए नहीं है आपकी परमेश्वर के प्रेजेंस नहीं है, आशीष नहीं है
आप इसलिए एनिमी आपको घेर रखा है, परमेश्वर की प्रोसेस नहीं है। एक टाइम था प्रभु आपके साथ था, बट आज उसी टाइम परमेश्वर की प्रोसेस आपकी जिंदगी में नहीं, इसलिए वो कार्य नहीं हो रहा। परमेश्वर को मनाओ। अगर मैं आम भाषा में समझा सकते तो, या परमेश्वर की प्रोसेस आप दुगुने चाहते तब भी आप ऑल्टर में आ सकता है। ये नहीं है ऑल्टर में पापी आके बैठते हैं, आप थैंकफुल है तब भी परमेश्वर के प्रोसेस में आता है। आप नेक्स्ट लेवल में जाना चाहते हो तब भी परमेश्वर के प्रोसेस में आता है। हर जजमेंट मेंटालिटी को साइड में हट के परमेश्वर के प्रोसेस में दौड़ के आइए। परमेश्वर को अपना जिंदगी दो, मेरा यीशु को अपनी जिंदगी दो। हाथों को उठा के उस स्वर्गी के ऊपर देखो जहां से आपका मदद आएंगे। आज दोबारा परमेश्वर के प्रोसेस मिलने वाले आपकी जिंदगी में। हर क्रिटिसाइजिंग मेंटालिटी को साइड में रखे, परमेश्वर दोबारा आपसे बात करने वाले। इंडिविजुअली ही विल स्पीक टू यू। He's a God who loves. He's a God who loves to communicate. आपसे बात करना पसंद करने वाला परमेश्वर है। जब तक आपके रिलेशन बनेंगे, परमेश्वर आपसे बहुत बात करना चाहते हैं। आप जैसे रिलेशन बनाएंगे, वो बात करना पसंद करने वाला परमेश्वर है। जो दिल से मांगने वाले से वो बात करेगा उस परमेश्वर। बाइबल कहता है जब दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता था, भजन संहिता 17 आप पढ़ सकते हैं घर पे जाके, उसमें दाऊद एक लाइन लिखा है, परमेश्वर जो सिंपल है प्रभु तू उनको सिंपल बन के रहता है, बट जो श्रूड है, बट जो चलाक है तो उनके साथ चलाकी करता है। आप उस परमेश्वर के सामने बैठे जैसे आप है, जैसे आप चाहता है वो वैसे आपके साथ करेगा। अगर आप सिंपल हो गए, हम ह्यूमन बीइंग है, हम आदमी, हम लोग बहुत बार अपनी चलाक आइडिया लेके परमेश्वर के सामने जाता है। तू ये करेगा तो मैं करूंगा, तू ऐसे है तो मैं वैसे करूंगा, अपनी आइडियाज अपनी स्ट्रेटजीज लेके परमेश्वर के प्रोसेस में जाता है। बट मेरा यीशु मेरा यहोवा सिंपल होके उसके सामने आइए, सिंपल होके उसका आपको दिल दे दीजिए, सिंपल होके अपनी श्रूड अपनी चलाकी बंदी हटा के परमेश्वर के प्रोसेस में बैठे। आपका जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना भी करवाने की जरूरत नहीं, बट आप सच्चे मन से जब परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु इस सिचुएशन में मुझे इंटरवेंशन चाहिए तेरा, तू प्लीज इसमें हाथ डाल परमेश्वर। हमें जब प्रॉब्लम होने के टाइम में अपने अपने रिश्तेदारों को लेके जाते हैं, दोस्तों को लेके जाता है, बट हम भूल जाते हैं यीशु को बुलाने के लिए। जब प्रॉब्लम होने के टाइम हम पहले नंबर ढूंढते हैं किसको फोन करो, प्रॉब्लम होने के टाइम सोचता है किसको क्या जवाब दो, इसको क्या, बट बहुत बार बोल जाता है यीशु को एक बार चांस तो दे दे मेरी जिंदगी में। मेरे मित्र आपको परमेश्वर लाया गया, यीशु आपको पर्पसफुली आपसे प्यार करता है, परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है। मेरा नाम हरीश है, बट यीशु मुझसे प्यार करता है, मुझे अलग किया उसने, मुझे लेके आया उसकी प्रेजेंस में। आपके नाम कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जो ग्रेस मेरे लिए अवेलेबल था, जो मर्सी मेरे लिए अवेलेबल है, वो आपके लिए भी अवेलेबल है। मेरी जिंदगी में मेरे परमेश्वर काम कर सकता है, आपकी जिंदगी में भी आपकी परमेश्वर जो यीशु को आप मानेंगे तो वो काम कर सकता है। हर सिचुएशन हर प्रॉब्लम से वो बाहर निकालेगा, आपको लगेगा आप बिल्कुल समुन्द्र के बीच में, आपको बचाने के लिए कोई नहीं है, वो आपको बचाने के लिए शिप भेज सकता है, आपको बचाने के लिए बड़े नाव भेज सकता है, आपको बचाने के लिए बड़े अनुग्रह भेज सकता है। आपको लगता है आपकी फैमिली लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ताकत नहीं है, लाभ नहीं है, परमेश्वर वापस प्यार लेके आ सकता है, यीशु कर सकता है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो इधर उधर की गहरी बात करने वाला परमेश्वर नहीं, सिंपल बात करने वाला परमेश्वर, तू मुझे तेरा दिल दो मैं तुझे जीवन दूंगा। बस अपने दिल उसको दो, वो ऐसे लगे कि आपको टूटी फूटी जिंदगी, टूटी फूटी इमोशंस है। जब यीशु आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा, वन बाय वन एक एक एरिया में ब्लेसिंग्स आना शुरू होंगे। फैमिली लाइफ जो टूटा था उसमें आशीष आएंगे, जो व्यापार में परेशानी है वो सेट होंगे, जो ऑफिस में चारों तरफ से आपको ऑफिस पॉलिटिक्स कर रखे उधर आशीष आएंगे, जो फाइनेंस आपका गड़बड़ है वो सब सेटल होना शुरू होंगे। आप सोचेंगे कैसे करूं क्या होगा, अपने आप को हेल्प करना बंद करो, अपने आप स्ट्रेटजी। समटाइम्स हमें आता है हमारी जिंदगी में ऐसे से टाइम, हमें परमेश्वर के हाथ में हैंड ओवर करने का टाइम है, बोला यीशु दैट्स इट, मैंने अपनी जान लगा दी, मैंने अपने आइडिया लगा दी, मैंने अपनी स्ट्रेटजी लगा दी, मैंने अपनी चलाकी लगा दी, मैंने चार बंदों को बिठा के बात भी करा दी, बट प्रभु कुछ नहीं, मेरे हाथ के बस की बात नहीं अभी, प्लीज यू इंटरवीन। आपको बता के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपको चार लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस दिल से प्रार्थना करना है सच्चे मन से, यीशु प्लीज इंटरवीन। वो केवल मसीहों के लिए नहीं आया, कोई जाति के लिए नहीं आया, कोई धर्म के लिए नहीं आया, सब कुछ उसको अपने दिल से मांगने वाले के लिए, सबके लिए मेरा यीशु आया। अगर आप मन से मांगोगे
यीशु आपसे प्यार करेगा। यीशु ऑलरेडी आपसे इतना प्यार करता, तभी तो आप आपको ऐसे से टाइम में सिचुएशन में आप जानते भी नहीं थे उसने आपको प्रोटेक्ट किया। मैं आज जानता हूं, मैं यीशु मसीह को 12 साल से जानता हूं, बड़े ऐसे टाइम मेरी जिंदगी में भी पीछे टाइम में था, आज मुझे पता है उसमें मेरे परमेश्वर का हाथ था। मुझे उधर से निकालने में, इधर लेके जाने में, इस कार्य करने में, ऐसे स्वभाव देने में, ऐसे नेचर देने में मेरा ये मसीहा का हाथ था। हो सकता है पूरी परिवार अपनी भाई बहनों में आपकी नेचर बिल्कुल अलग है, आप सोचते यार मैं क्यों ऐसे नेचर में हूं। बस यीशु आपको जानता है, आपको ऑलरेडी सेट कर रहे हैं परमेश्वर अपनी राज्य के लिए, अपनी कार्य के लिए। आपको अलग करता है लोगों से, आपकी ट्रबल्स, आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम्स, बस यीशु को अपनी जिंदगी दो, ट्राई करके देखो उस परमेश्वर को, उस भाई होंगे उस बहनों के बीच में अपनी जिंदगी आप यीशु को दो, परमेश्वर को दो अपने हाथों में। बोल दो फादर आई सबमिट माय लाइफ इन योर हैंड्स। मेरा यीशु जिंदगियों से इंडिविजुअली डील करने वाला परमेश्वर है। यीशु इसलिए नहीं आया अपनी क्रूस 50 लगा जगह लगवाने के लिए, यीशु इसलिए नहीं आया 50 जगह उसकी कलीसिया बिल्डिंग खड़ा करने के लिए, यीशु इसलिए नहीं आया पैसा देने के लिए, बट जिंदगियों को खड़ा करने के लिए आया, वो संस्था चलाने के लिए नहीं आया, ना वो राज्य करने के लिए आया। यहूदी सोचते थे तू मेरा हमारा राजा है, राजाओं के लोगों को उम्मीद है राजाओं से घोड़े में आएंगे, ताकत के साथ आएंगे, बट वो गधे के ऊपर बैठ के आया, ये कैसे राजा है। मेरा यीशु प्यार करता है, वो राज्य करने के लिए नहीं आया, आपकी दिल के साहब के साथ आपका मसीहा बन के आपकी जिंदगी में खड़े होने के लिए। इसलिए अपने मन को कठोर ना करो, ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट। अगर आपको माँ बाप की प्यार की एक्सपीरियंस करना है, अपने यीशु को माँ के रूप में देखो, पिता के रूप में आप देख सकते हैं। अपने भाई की हेल्प आपका नहीं है, आपके परिवार का हेल्प नहीं है, आप अलोन है, अकेला खड़ा है अपने मैदान पे, कोई नहीं आपके चारों तरफ से, दूर तक आपको पता नहीं आपकी हेल्प कहां से आएंगे। ऐसे गर्मी टाइम में आप खड़ा है दूर, बिल्कुल सड़क के बीच में, बिल्कुल मैदान के बीच में, चारों तरफ से आपको पता नहीं है कहां से आपका हेल्प आएंगे। मेरा हेल्प मेरा यीशु मेरा यहोवा की ओर से आएंगे। मिरेकल्स आपके लिए वो मिरेकल होंगे, परमेश्वर के लिए वो डे टू डे काम है, आपके लिए जो सुपर नेचुरल रहेंगे वो परमेश्वर के लिए वो नेचुरल काम है। इसलिए अपनी जिंदगी को दो, मैं सचमुच कह रहा हूं जिंदगी को दो, आप मसीह को अपनी जिंदगी दो, अपनी दिल दो, कठोर मन लेके मत बैठो, खोलो अपने दिल को, अपनी आउटर शेल को तोड़ो और परमेश्वर के सामने रोना है तो आप रो सकते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगी को देना तो दे सकते हैं। आपको प्यार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आज के दिन में, प्यार परमेश्वर आज प्यार बांटना चाहता है आज के दिन में, अलग अलग टाइम में जब कलीसिया में आता है परमेश्वर अलग अलग तरीके से मूव करता है, बट आज वो आपके दिल से बात करना चाहता है, ही वॉन्ट टू लव यू, वो आपको प्यार करना चाहता है आज के दिन में, मां से ज्यादा वो प्यार करता है। मेरा यीशु मां से ज्यादा प्यार करता है, बहुत गहरा रूप से आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। आज अपना दिल दो और मां की प्यार एक्सपीरियंस नहीं हो रहा परमेश्वर को दो, फादर की लाइव आपकी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं उसको दो। अर्थली फादर जो धरती में हमें माता पिता परमेश्वर ने दिया उनसे ज्यादा वो प्यार कर सकता है। जिस भाई आपका उम्मीद है वो मुझे हेल्प करेंगे, जब वो भी रिजेक्ट करेंगे वो परमेश्वर आपको हेल्प करेगा, वो दिल से डील करने वाला परमेश्वर है। हर बच्चा हर लोग इसी जगह में मौजूद है, अपने यीशु को अपना दिल दो, ही सीरियस, वो बनाना चाहते हैं, नई क्रिएशन करना चाहते हैं आज के दिन में। हो सकता है आप मसीह को जानते बहुत टाइम से, हो सकता है नए आए होंगे, हो सकता है बहुत टाइम के बाद आए होंगे, हो सकता है आप परमेश्वर से करीब है, बट परमेश्वर को और दिल दो, वो नया क्रिएशन बनाना चाहता है, वो नया बनाना चाहता है, और वो कल की परमेश्वर नहीं, कल की बातों के ऊपर चलने वाला नहीं है, आने वाला टाइम की परमेश्वर है, नए नए बात करने वाला परमेश्वर है। ही कैन क्रिएट ए न्यू थिंग्स आउट ऑफ योर बैड लाइफ, आपकी गंदे सोच विचारों से वो नहीं बना सकते आपको। हमारे अब्बा पिता हम जानते हैं तू हमारे साथ रहता है पिता परमेश्वर, हर ऐसे व्यक्ति हर ऐसे फैमिली जो अकेला महसूस होता है पिता, चारों तरफ से रिलेटिव्स नहीं है, फैमिली नहीं है, लोग नहीं है साथ में, जो अकेलापन महसूस होता है प्रभु तू उनके साथ साथ है, सबसे करीब बंदे से साथ तू उनके साथ खड़े रहता है पिता परमेश्वर, तू हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है परिवार परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है मेरा यीशु जैसे तू हमसे प्यार करता है प्रभु, तेरा और लोग भी और बच्चे भी जो इस कलीसिया में इसी टाइम मौजूद है पिता परमेश्वर, हो सकता है वो जानते नहीं तुझे अपना परमेश्वर के रूप में, हो सकता है उन्होंने अपना दिल उनको दिया नहीं होगा, बट प्रभु उनसे प्यार कर, उनके ऊपर महिमा कर, उनके ऊपर दया कर पिता परमेश्वर, वो तेरे प्यार को समझ पाए पिता परमेश्वर, उनको बुद्धि को खोल पिता परमेश्वर। बहुत बार पिता इस संसार की सातान ने उनकी दिमाग को बंद कर रखा है पिता परमेश्वर, इसलिए वो यीशु
का प्यार को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा प्रार्थना है, मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर, हर ऐसे लोग जिसके दिमाग बंद है, जिनको समझ नहीं पा रहा यीशु कौन है, पिता परमेश्वर उनके दिल को, दिमाग को खोल, पिता परमेश्वर प्यार करने वाला, अनुग्रह देने वाला, आशीष देने वाला, हमसे बात करने वाला, हमें सबसे प्रथम स्थान जिंदगी में देने वाला मेरा यीशु, धन्यवाद आज के दिन के लिए पिता, इस अवसर के लिए धन्यवाद पिता। हम कलिशा मिलके इकट्ठे हो पाए, इकट्ठे तेरे आराधना कर पाए पिता परमेश्वर, पिता इस वेदर में भी तेरे लोग आए पिता परमेश्वर, पिता हम भूखे तेरी प्रसंस के लिए, पिता हम प्यासे तेरी प्रसंस के लिए पिता परमेश्वर, पिता घर का रेस्ट वो सब कोई भी कुछ भी हमें कहीं से भी मिले, बट जब तक तेरी प्रसंस में हम बैठते नहीं पिता परमेश्वर, हमारी भूख को पूरी नहीं हो पा रही, ना हमारी प्यास को कोई पानी बुझा नहीं सकता पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के अलावा। पिता इस टाइम के लिए धन्यवाद, तेरी ग्रेस के लिए धन्यवाद, हर काम तू ऑल्टर पे कर रहा है उसके लिए धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद पिता, पिता के रूप में मेरे लोग साथ खड़ा रहे पिता परमेश्वर, जो अकेला महसूस हो रहा है पिता परमेश्वर अपनी जिंदगियों में, तो उनको जिंदगियों से बात करेगा अपने पिता के रूप में, अपनी माँ के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने बिग ब्रदर के रूप में तू खड़ा रहेगा, अपने दोस्त के रूप में तू खड़ा रहेगा पिता परमेश्वर, वो तुझे एक चांस जब देते हैं पिता परमेश्वर तो अड़ा और खड़ा रहेगा पिता परमेश्वर, मदद कर पिता परमेश्वर, पिता आज के टाइम के लिए हमारे वर्षिप के लिए सबको तू स्वीकार कर पिता परमेश्वर, पिता जैसे हम हमारे टाइम अभी वचन में स्पेंड करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारे दिल से बात करो पिता, ये वचन मैं ना बोलूं पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा मेरे मुंह से बोल पाए पिता परमेश्वर, पिता तेरी जो इस वचन है पिता परमेश्वर जब जाएंगे सातान उसको छीन के उनकी जिंदगी से लेके ना जा पाए पिता परमेश्वर, बहुत बार वचन हमारी जिंदगी में बोया जाता है बट कोई दोस्त के रूप में, कोई बंदों के रूप में, अलग अलग तरीके से, कोई फेसबुक पोस्ट के रूप में, किसी के गुस्से के, अलग अलग तरीके से हमारी जिंदगी से वचन छीनने के लिए सातान पूरी ट्राई करता है पिता परमेश्वर, पिता उसकी वेपन उसकी जितनी भी वॉरफेयर जो हमारे अगेंस्ट करता है कोई भी सक्सेस ना हो पाए पिता परमेश्वर, पिता जो वचन हमारी जिंदगी में आज तू डालेगा वो अनुग्रह में, आशीष में, अभिषेक में बढ़ने के लिए हमें मदद करेगा पिता परमेश्वर, यीशु हमें तेरी मदद की जरूरत है पिता, आज के वचन में जैसे हम जाते हैं पिता परमेश्वर हमें मदद कर, हमें मदद कर, हमें मदद कर पिता परमेश्वर, वचन के ऊपर आशीष हो पिता परमेश्वर, सब कार्य जो हम अभी करने वाले उसके ऊपर तेरी आशीष हो, तेरी प्रेजेंस लगे रहे पिता परमेश्वर, और वर्ड के द्वारा भी आज मिनिस्टर कर पिता परमेश्वर, तेरी तेरी बाइबल वचन के द्वारा तेरी बच्चे तक मिनिस्टर कर पिता परमेश्वर, हमारे मनों को प्रिपेयर कर, कलीसिया अपने मनों को प्रिपेयर कर, अपने मनों को प्रिपेयर कर, मैं जानता हूं ठंड के टाइम है, हो सकता है आप बिल्कुल बिल्कुल डाउन होके बैठे होंगे, हो सकता है आप डिप्रेस होके बैठे होंगे, बट मन को तैयार करो, अपनी आत्मा में आप शरीर को गर्म करो, अपनी आत्मा में जब परमेश्वर के वचन आएगा आप 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 गर्म होंगे, आप रिसीव कर पाएंगे, आप स्वीकार कर पाएंगे, जब गर्म गर्म चीज आप एंजॉय भी कर पाएंगे इसी टाइम में, तो परमेश्वर के वचन आपकी आत्मा के लिए एक खाना हो आज के दिन में, आपकी आत्मा में जो वचन चाहिए वो परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी में लेके जाए पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, मेरा यीशु मेरा पिता आज के दिन के लिए सारे कार्य तो हमारी जिंदगी में कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रसंग में, कुछ टाइम देखेंगे परमेश्वर आज हमें अपने वचन से क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, हालेलुया। मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रसंग में, आज हम देखेंगे परमेश्वर हमें वचन से क्या सिखाना चाहता है। मैंने आपको लास्ट जनवरी में कवनेंट के बारे में बताया था, अलग अलग सेवन कवनेंट के बारे में बाइबल में जो है, एट कवनेंट जो न्यू कवनेंट है हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, बट बहुत बार लोग अलग अलग तरीके से कवनेंट को तोड़ता है, जो कवनेंट परमेश्वर ने दिया, जो वाचा हमारे साथ बनाया, जो वादा परमेश्वर ने हमारे साथ बनाया, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तोड़ता है, इसराइल ने तोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, वो देखेंगे परमेश्वर कैसे तोड़ता है हमारी जिंदगियों में, परमेश्वर नहीं तोड़ता हम कैसे तोड़ते हैं परमेश्वर के वादा जो हमारी जिंदगी में, एक परमेश्वर को हम अनादर लेके आके बाय डिसरेस्पेक्टिंग हिम, कैसे परमेश्वर को अनादर करना शुरू करते हैं, उसके वचन को, उसकी वर्ड को, उसकी प्रेजेंस जो हमारी जिंदगी में, उसी को भी हम अनादर करना शुरू करते हैं। वॉलंटियर्स का काम है आप खड़े रहिए और समझाइए, जो परेशान कर रहे हैं उनको पीछे हटाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पूरी आदर देना है, रेवरेंस के साथ बैठना है, आदर के साथ बैठना है, नहीं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य नहीं करेंगे। मैं डिसरेस्पेक्ट की बात किया, एक करके दिखाया सातान, डिसरेस्पेक्ट होते हैं, बहुत बार परमेश्वर को आदर नहीं देते, कैसे हमारी बातों से, हमारे सोचों से। बाइबल में एक वचन है, फियर द लॉर्ड, परमेश्वर को डरो। हम सोचते हैं अरे प्यार करने वाला परमेश्वर है, मसीहा प्यार है, उसको हम कैसे डरेंगे, परमेश्वर की बात हम बहुत बार डरते नहीं है, इसलिए हमारी जिंदगी में आशीष नहीं है। बाइबल में एक वचन भी है, व्हेन यू स्टार्ट फियरिंग द लॉर्ड विजडम विल स्टार्ट फॉलोइंग, जब आप परमेश्वर को डरना शुरू करते हैं बुद्धि के दिमाग शुरू होता है, अनुग्रह की बात उसी जगह से शुरू होता है, बट परमेश्वर का हम अलग अलग बातों से, परमेश्वर के साथ हम कवेनेंट बनाएंगे, आशीष बनाएंगे, हाँ जी मैं ऐसे चलूंगा, हट जाते हैं पीछे, डिसरेस्पेक्ट कैसे करने हम ढूंढते हैं। बाइबल में एक स्टोरी है दाऊद राजा का, वो सबसे अनुग्रह आशीष में भरा हुआ किंग था,
बट उसने एक गलती कर ली, अपने टेरेस के ऊपर ठहरे थे, साइड में देखा लड़की एक नहा रहे थे, अपने चेलों को बोला भाई लेके आए इसको, उसके साथ गलत संबंध में गया, बच्चा पैदा कर दी, गलत काम किया। बट उसके दोस्त उसके साथ था, वो आके बोला भाई तूने गलत किया, तूने पाप किया, ये उसको डराना शुरू हो गया। जब दोस्त आपको समझाता है तू परमेश्वर के राज्य में नहीं चल रहा, परमेश्वर की बातों में नहीं चलता, हम लोग क्या करता है, एक्सक्यूज लेके आता है, नहीं भाई मैंने इस कारण से किया था, उस कारण से किया, करता है ना बहुत बार, एक्सक्यूज देता है, उसकी एक्सक्यूज, उसके बच्चे के एक्सक्यूज, बहुत बार जो हमारी छोटा बच्चा बड़ा होना शुरू करता है हम उसके ऊपर डाल नहीं सकता, वो बोलेंगे नहीं जी मैं तो तैयार था, तब छोटे बच्चे के ऊपर डालेंगे तो मुंह ही बंद रखेगा, बोल ही नहीं पाएगा ना। सेम वे हम लोग ढूंढते एक्सक्यूज, पर दाऊद ने एक्सक्यूज नहीं ढूंढा, दाऊद अपनी जितनी भी कोट थे, अपनी किंगली गारमेंट से सब उतारा, परमेश्वर की प्रेजेंस में लेट गया। ये नहीं सोचा मैं कल फास्टिंग रखूंगा या सोचूंगा करूंगा, इमीडिएटली वो अपनी परमेश्वर की प्रेजेंस में लेट गया, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु मैंने डिसरेस्पेक्ट किया, मैंने ऐसे गलत संबंध में गया, तेरा इंस्ट्रक्शन था अपनी बीवी के अलावा मैं किसी के साथ नहीं सो सकता, बट मैंने इंस्ट्रक्शन तोड़ा, मुझे माफ कर परमेश्वर। बहुत बार हमारी जिंदगी में हमारी कुछ दोस्त है, हमारी पास्टर्स है, हो सकता है आपके अगुवे होंगे, आपके लीडर होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, आपको समझाएंगे भाई साहब ये रास्ता ठीक नहीं है, ये लड़की के साथ तेरा संबंध ठीक नहीं है, हम एक्सक्यूज लेके आते हैं, ये नहीं है परमेश्वर की ओर से देखेंगे, अपन सोचेंगे अरे भाई अब लोगों को पता चल रहा है मैं फरीदाबाद में मॉलों में घूमेंगे, चल अभी नोएडा में घूमना शुरू करेंगे, इधर तो किसी को पता नहीं चलेगा, इधर तो मैं दोबारा उधार भी हो सकता है, डिसरेस्पेक्ट हम कर रहे हैं। बट ये नहीं है अपन दाऊद जैसे एटीट्यूड में, गलत उसने भी किया, हम सब करते हैं, बट एटीट्यूड जब गलत करने के टाइम में परमेश्वर वही देखते हैं, मुझे सचमुच डिसरेस्पेक्ट करते हैं क्या, ठीक है उस टाइम उसने इमोशन में आके पाप किया, सिन किया, सेक्सुअल सिन किया, मैं जानता हूं, बट अब उसका एटीट्यूड क्या, जब उसको कन्फ्रंट करने के टाइम में भी, जब माँ बाप हमारी माँ बाप को फोन चलाना नहीं आता, पकड़ के देखते हैं उसको चलाना आता है, फोटो कहाँ सेव होता है, गैलरी में सेव होता है एंड्रॉइड फोन में, माँ को पता चल जाता है, वो देखता है ओए पिछली बार मैंने देखा था 2-3 लड़कों के साथ तेरा फोटो था, आगे नहीं होना चाहिए, गलत रिश्ते में भाग जा, इस बार माँ फोन उठा के देखता है गैलरी में है नहीं, सब चीज आपने ऑटोमेटिकली ड्रॉप बॉक्स में अपलोड किया, क्लाउड में अपलोड किया, दूसरी फोन में रखा है, ऑफिस वाले सिस्टम में रखा है, चला के बनता है, बाप से डर के पीछे हटके नहीं जाता आगे, यार नहीं मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना, हम स्ट्रेटजीज लेके आता है, दाऊद स्ट्रेटजी लेके आया, रिलेशन को छुपाया नहीं उसने, पूरा इसराइल को पता चल गया भाई साहब इसने किसी और का बीवी को उठाया, उसने छुपाया नहीं, परमेश्वर ने उस रिलेशन पे जो बच्चा निकल आया उसको मार दिया, बट उसी बीवी से जब शादी के बाद सुलेमान लेके आया परमेश्वर। बहुत कुछ कर सकता है हमारी जिंदगी में जब हम अपनी पाप भरा हुआ जिंदगियों से डर के मारे आगे जाएंगे, बोलते प्रभु मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा, तेरी प्रेजेंस को मैं लूंगा नहीं। हमारी जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे, कुछ अगुवे, कुछ पास्टर्स, कुछ लोग हैं, हमें समझाते, जब हमारे परिवार भी समझाते उसी टाइम हम जाते हैं ऐसे ही, हम डिसरेस्पेक्ट कंटिन्यूअसली करते हैं, तो इसराइल तोड़ते बहुत बार डिसरेस्पेक्ट के द्वारा, हम भी हमारी जिंदगी में बहुत बार परमेश्वर की कवनेंट तोड़ते हैं, फिर हम सोचते हैं प्रभु पिछले साल ऐसी गलती के टाइम में तू मेरे साथ था, इस साल क्यों नहीं है, कवनेंट तोड़ दिया परमेश्वर से, हमारा लेन देन हमने बंद कर लिया, डरना बंद कर लिया। मलाकी 1:6 अध्याय 1-6 हम पढ़ेंगे, कहां परमेश्वर को इसराइल ने अनादर करना शुरू कर दिया। आज की वचन आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत बार कवनेंट लोग ने कैसे तोड़ दिया आपको पता चल जाता है, पिछली बार आपके घर पे क्या बीमारी हो गया, उसको क्या इलाज किया, इस बार पता चलेगा तो आपको उसी अकॉर्डिंगली डील कर सकता है। माइक मेरे हाथ से कैसे गिरा था तो ध्यान रखूंगा और पकड़ के रहूंगा तो मेरे हाथ से गिरेंगे नहीं, पिछली बार की गलती से मैंने सीखा, इसराइल की गलतियों से अपन लोग सीख सकते हैं। मलाकी 1:6 पढ़ लीजिए, याजकों को प्रभु की फटकार, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हैं। परमेश्वर हमें पूछ रहे हैं, A son honors his father and slave his master। एक बेटा अपनी बाप की आदर करता है, एक नौकर अपनी मालिक की आदर करता है। तुम कहते हैं मैं तुम्हारा पिता है, मुझे डरते नहीं है, मेरी बातों में नहीं चलते, मेरी इंस्ट्रक्शन पे नहीं चलता है, क्यों बोल रहे हो तुम मुझे इसराइल की परमेश्वर हो, प्रॉब्लम होने के टाइम में तुम मेरे पास आते हो, जो आदर कहां है। परमेश्वर हमें कह रहे हैं वेयर इज माई ऑनर, आपकी आदतों से, बातों से, सोचों से, विचारों से, हमें मुझे सबको सोचना है भाई मैं कहां मेरी परमेश्वर को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है।
और इसके बाद परमेश्वर इनके साथ नहीं था। मलाकी 1:7-9 भी तक पढ़ेंगे, उसी अध्याय का 7-9 आगे। तो मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। नेक्स्ट तरीके से हम परमेश्वर की प्रेजेंस में फटे हुए नोट, फटे हुए आदर, खराब चीज जेके परमेश्वर को हम अनादर कैसे करते। इधर भी कवेनेंट तोड़ते अपन। परमेश्वर पुराने टाइम में इज़राइल कैसे तोड़ता था और हम कैसे तोड़ते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। तो मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं, इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पुरुष पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिमों के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। हम शादी में जाने के टाइम में नए नोट ढूंढते हैं, भाई उनको शगुन देना है, नए नोट चाहिए। परमेश्वर के प्रेजेंस में यहोवा के सामने ये लोग कमिट करते थे हम आपको बेस्ट देंगे, बट लेके आता फटा हुआ माल, खराब माल, कोई रिजेक्टेड पीस, एक्सपोर्ट क्वालिटी सब एक्सपोर्ट कर लिया। सपोज समझ लो उधर एक बंदे का बकरी का बिजनेस था, 100 बकरी लेके आया, उसमें 90 तो चला गया, 10 रिजेक्ट कर लिया। बोलते भाई इसमें कमी पेशी है, ये 100 किलो का होना चाहिए, 90 किलो का है। उसी में से एक आध पकड़ के चर्च में लेके जाते थे वो उसी टाइम, भाई ये एक्स रिजेक्टेड हो गया, 8 तो रिश्तेदारों को भी बांटना है, किसी का शादी भी आ रहा है तो उनको देंगे, तो अपने घर पे खाना खाएंगे, 2 चर्च में भी दे देते थे, हमारी पूरा साल का ये चला के उस टाइम पे भी करते थे, ये सब करते तुम लोग मुझे ढूंढ देते। परमेश्वर बोलता है ये साइन सेम चीज तुम अपनी लीडर को, हकीमों को, गवर्नर के साथ करके देख, तब क्या होगा? जब टैक्स देने के टाइम में करके देख तब क्या होगा? परमेश्वर हमें कह रहे हैं ऐसे भी कवेनेंट हम तोड़ते बहुत बार, 12-14 उसी का ही एक ही आप 12 से पढ़ लीजिए आगे। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उसने उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो यह कैसा बड़ा उपद्रव है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। क्या लफड़ा मैंने पा लिया, बस यीशु को अपनी जिंदगी दे दिया, क्या हर हफ्ते लेके आना पड़ेगा, हर महीने जाना पड़ेगा, क्या लफड़ा मैंने पा लिया। इन्होंने भी यही कह रहा, व्हाट ए बर्डन भाई, क्या परेशानी हो गया ये। बट परेशानी के टाइम में पूछता उसी के पास, जब उसकी इंस्ट्रक्शन आने के टाइम में अपन अपना स्ट्रेटजी चला के लेके चलता है उसकी प्रोसेस में। और पढ़ लीजिए आगे। फिर तुम यह भी कहते हो यह कैसा उपद्रव है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। तुमने उस भोजन वस्त्र के प्रति ना भौं सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त की हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो, क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है, जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए वह श्रापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अंग्रेजी में लिखा है आई एम ए ग्रेट किंग, तू चीटर है। चीटर कैसे? तू जब बोलता है मैं बढ़िया लेके आऊंगा बट एक्चुअल चीज कुछ और लेके आता है। जब बिजनेस तू शुरू करता है दुकानदारी, उसी टाइम बोलूंगा परमेश्वर इसमें से टोटल इनकम का 20% मैं दूंगा, बट जब दुकान में 1,00,000 का सेल होता है तब तो बस भूल गया खर्चे पानी ही, बस परमेश्वर बोलता तू चीटर है। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर को आप मार सकते हैं, मुझे घर जाने देना इसके बाद। तू चीटर है अगर तू ये बात करने जाते तो। बाइबल में परमेश्वर कहता है साल में एक बार आना तेरा टाइथ और ऑफरिंग्स लेके। उसी टाइम यरूशलेम में दुनिया की चारों तरफ से लोग आते थे, उस टाइम वो साल में इकट्ठे करके लेके आता था, प्रिपरेशन के साथ आता था, उनके लिए वो फेस्टिवल था, मेरे को टाइथ चढ़ाना है, मेरा सिन ऑफरिंग, मेरी बर्न ऑफरिंग, हर ऑफरिंग मुझे चढ़ाना है, वो प्रिपेयर करके जाते थे। आप पर लोग सुबह चर्च में कैसे जाते हैं आजकल, लिफाफा अवेलेबल है, पर्स में पैसा रखा है नहीं रखा, प्रिपेयर है, उधर देखेंगे। परमेश्वर तुम मुझसे बात करना, उधर जो बात करेगा मैं वो दूंगा। ऐसे से चला के लेके परमेश्वर के प्रेजेंस में आता है। जब ऑफरिंग टाइम आता है देखता है अच्छा 2,000 का नोट है, नहीं यार आज तो बीवी ने सुबह बोला था डब्ल्यू में सेल्स चल रहा है, नहीं 4,000 का 2,000 में मिलेगा, नहीं परमेश्वर ये देखो आपको पता है बीवी के बिना तो मैं नहीं रह सकता, आपने दिया बीवी है उसी ने काम किया हुआ है, अगला देखेंगे 500, बच्चे बहुत टाइम से बता रहे हैं
चर्च में हर संडे दाल चावल है, आज हमें ऐसे बोलेंगे जल्दी निकलना है, हमारे कुछ इमरजेंसी काम है, हल्दीराम लेके चलेंगे बच्चों को, फिर देखते हैं अपना 100 रुपए का नोट नहीं आ रही है तो उसके बाद मैटी से कौन वाली आइसक्रीम खाना है ये भी रख दिया, फिर देख लिया 50 रुपए नहीं आ रही है तो पार्किंग का पैसा देना ये रख लिया, फिर देख लिया क्या मिला, अरे परमेश्वर ये देखो तेरा आया 10 रुपए, यही तो था, बाकी सब तो पहले ऑलरेडी मैं अलोकेट किया हो। बहुत बार अपनी ये एटीट्यूड लेके परमेश्वर के प्रति, इसराइल करते थे भेड़ बकरियों के साथ, अपन करते 2005 जो दुकान में बिजनेस आना शुरू होते हैं, यही मैं ही भूल जाता हूँ भाई। 2006 में जब मैंने नौकरी किया था मेरा सैलरी ये थी 2500 रुपए, वही भूल जाते आज पर्स में पड़े रहते हैं। मैं अपना बात कर रहा हूँ, आपकी बात आपको पता है कितने थे सैलरी और आज कहाँ बैठे थे, कौन सी कमरे में सो रहे हैं। मेरा फर्स्ट कमरे में पैर एक, जब आप लेट गया तो पैर एक दीवार में सिर एक दीवार में टकराते थे, इतनी जगह में घूमना पड़ता, जितने ऑल्टर का जगह भी नहीं था, आज प्रेयर रूम उसे बड़ा है। हालेलुया। एटीट्यूड जो पिछले 10 साल से करते आएंगे अगले 10 साल और परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर 10 साल के हिसाब लगाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पिछले 10 साल से करते आ रहे थे, पिछले 10 साल आपने इवेंजलिज्म किया, सड़कों के बाहर खड़े होके पैम्फलेट बांटा, आज आपको बाइक में घुमाएंगे परमेश्वर, आज बाइक में घुमाने के बाद आप इवेंजलिज्म टाइम में भागेंगे, आपको 10 साल के बाद वही बाइक में पेट्रोल और साइड भी नहीं होगा, साइड में स्टैंड भी नहीं होगा, कहीं और टकराना पड़ेगा। 10 साल के हिसाब से चलता है वो, बहुत हिसाब रखने वाला बंदा है, तारों को नाम दे सकता है, मेरा आपके हिसाब भूलेगा वो नहीं गिलेगा। हमारे एटीट्यूड सेम लेके परमेश्वर के प्रेजेंस में, इसराइल भी यही काम करता था, परमेश्वर को गेम खेलता था उसके साथ, परमेश्वर के साथ बहुत बार गेम खेलता था। आज और आप मलाकी 2:7-9, मलाकी अध्याय 2:7-9, इसलिए ये पढ़ेंगे हम अभी के पहले मैं नोट लेके, क्यों एग्जाम्पल हमारे दिल पर लग जाता है, मैं भी जानता हूं एग्जाम्पल, जो 10 साल हमें स्कूल में भी टीचर ने एग्जाम्पल दिखाया लगता है दिमाग में, बट ये भी नहीं सोचना पास्टर मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास चिल्लड़ पड़ा है, क्या परमेश्वर मेरा स्वीकार करेगा? 100% स्वीकार करेगा। बाइबल में ऐसे स्टोरी है, एक विधवा आया, उसके पास कुछ नहीं था, बस चिल्लड़ थे, परमेश्वर ने बोला उन 2000 के नोटों से ज्यादा मैं वो स्वीकार करूंगा, बट उसके पास टोटल वो थे, उसने सचमुच दिल से दिया। हमारे पास 2000 की गड्डियां जो रखे उसी में से भी अपन निकाल नहीं पाते, एटीट्यूड दोनों फर्क है, एक कमी से दे रहे उस विधवा, एक अमीरी से भी नहीं दे पा रहा परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसके साथ चलाकी, उसके साथ गेम। सैम भजन संहिता में लिखा है चलाकों के साथ मैं कैसे खेलूंगा, चलाकियों के साथ, और चलाकों का चलाक है जो सिंपल होके मेरे प्रेजेंस में आता है उसके साथ मैं सिंपल रहूंगा, मैं चलाकी बंदी लेके नहीं आऊंगा। ये परमेश्वर की वादा है, परमेश्वर को समझना जरूरी, उसकी कैरेक्टर समझना जरूरी है। ओल्ड टेस्टमेंट में हमें उसका कैरेक्टर नजर आता है, न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर बहुत बार नहीं समझाता है, ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर हमें कैरेक्टर बताएगा, मेरा कैरेक्टर कैसे हो। बहुत बार लोग बोलते हैं न्यू टेस्टमेंट में लिखा नहीं, अरे ऑलरेडी बताया हुआ क्यों बोलना है यार, ऑलरेडी बता चुके हैं, हमें दे चुका है, वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बहुत बार रिपीट भी किया हुआ है परमेश्वर, इसलिए उस एटीट्यूड से बैठे जब ऑफरिंग बॉक्स आपके पास आएगा घर से प्रिपेयर होके आएंगे, परमेश्वर मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर हूं, द बेस्ट आई वांट टू गिव टू यू। मलाकी 2:7-9, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होंठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं का यहोवा का दूत है, परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए, तुमने लेवी को वाचा को तोड़ दिया, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, इसलिए मैंने तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते हो, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। परमेश्वर इसमें कह रहा है तुम जो टीच करना है सही वो टीच नहीं कर रहे, आप सही रास्ते में जा रहे, आपकी फ्रेंड गलत है, अगर आप मुंह बंद करके बैठेंगे तो आप गलत है, आप एडवाइस दे रहे हो सकते हैं आपके साथ बैठने वो पसंद नहीं करते होंगे, बट आप परमेश्वर से बच जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला भाई मैंने तेरे को फ्रेंड बनाया, उसका उसके परिवार में बनाया, तूने को बोलना चाहिए था, जैसे नातन अपनी बात तो उसने रख दिया और दाऊद ने स्वीकार भी किया। मेरा और आपका काम बहुत बार हो सकता है प्रीस्ट होने के नाता, फ्रेंड होने के नाता, अगुवे होने के नाता, भाई ये संबंध ठीक नहीं है, ये रास्ते जो तू जा रहा है ये तो टकराएगा, ये मरने वाले रास्ते हैं, तेरे को केयरफुल होकर चलना है परमेश्वर के प्रेजेंस में। बट बहुत बार इस कलीसिया में क्या हो रहे थे, जो प्रीस्ट है अमीर का एक रूल, गरीब का एक रूल, अमीर गलत कर सकते हैं फिर भी उसका 2 लाख की एक ऑफरिंग से काम निपट जाता है, गरीब का नहीं है। हम भी बहुत बार करते हैं,
हम जब हाई स्कूल में था 8th, 9th, 10th में, जैसे 8th में घुस गया तो एक दोस्त नया मिला, बहुत अमीर आदमी, उसके फादर का उस टाइम का सबसे बड़ा, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हिंदी वो भी जानते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है फ्यूचर में बैठ के देखेंगे बोलेंगे यार मेरा नाम भी लिया। तो 8th में हम गए, उसकी फादर, मैं उसे 2000 के करीब की बात कर रहा हूँ, 2000 वो डेली 100 रुपये पॉकेट मनी लेके आता था, आज भी डेली 100 रुपये पॉकेट मनी बहुत होता है। तो 8, 9, 10 में पढ़ने वाला, उसका फादर का होलसेल का काम था, और उसके बाद 1.5 रुपये में कटलेट, 2 रुपये में कटलेट प्लस जूस मिलते थे, हम 5-5 कटलेट खाते, कोई कुछ भी खाते, पता है ना 8, 9, 10 की हमें स्कूल छोड़ते बेकरी जाना है, आज चौमीन में जाते हैं, एक काम करते थे। तो उसके 5-6 छेले थे, हम सारे मिडिल क्लास, वो बहुत अमीर आदमी, उसके साथ चलना बहुत मुश्किल काम है, बहुत इरिटेटिंग बिहेवियर है, पैसा पूछेगा तो देगा नहीं, 10 रुपये बोलते खा ले यार जो मर्जी, पैसे नहीं दूंगा। और ये सब क्यों करते हैं, उसको गर्ल्स स्कूल भी हमारी थोड़ा 1 किलोमीटर दूर में, तो 4 बजे दोनों स्कूल छोड़ते हैं, जो बॉय स्कूल है जल्दी जाते हैं बेकरी के सामने, लड़कियों का स्कूल 10 मिनट लगता है पैदल चल के आने के लिए, तब तक भाई को एक एक लोगों के ऊपर नजर है, उनको जाके कुछ बोलना है, उनका लेटर हैंड ओवर करना है, भाई के बारे में चमचागिरी करना है, अपन करते हैं खुशी से, नौकरी है भाई, खाना खिलाता है, कभी बिरयानी कभी कबाब, हम करते थे सेवा पानी, उसको बोलने का हिम्मत ही नहीं था। आज बिरयानी खा के गाड़ी, हमें सुबह कोई पिक करने आएगा बाइक पे, उसकी गलती अपन बोलते नहीं है, क्यों भाई नहीं है तो ठंड में पैदल जाना पड़ेगा, गलती से भी बोलेगा तो ये कटलेट बिरयानी कबाब बंद, मुंह बंद रखेगा, परमेश्वर क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, जज करेगा। इसी में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं जी, मैं एग्जाम्पल ही ढूंढता हूं, मेरा काम एग्जाम्पल ढूंढना अपनी लाइफ से और जगह से, इस बाइबल से क्या रिलेटेड हो सकता है, मैं प्रीचिंग बनाने के टाइम सिंपल बाइबल वर्ड देखता हूं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है अपनी लाइफ में देखता हूं। हम कटलेट के लिए करते थे, लोग गाड़ियों के लिए करते हैं, घरों के लिए करते हैं, दोस्ती के लिए करते हैं, यार मैं गलत बोलूंगा तो ये मेरे से नाराज हो जाएगा, पर परमेश्वर आपको अपनी गाड़ी दे सकता है, आप दूसरी की गाड़ी की पीछे सीट में बैठने के चक्कर में मुंह बंद रखता है, पाप से गलत काम से पार्शली जज करते हैं, अमीर के एक रूल गरीब के एक रूल, मैं कह रहे हैं ये बाइबल कह रहे हैं, पार्शली जज करेगा, अपनी मुंह आप बंद रखेगा पापों के टाइम से, आपका अलग रूल, फैसिलिटी मिलेगा मुझे, भाई साहब बोल दिया तो गलत हो जाएगा, मेरा फैसिलिटी मेरे हाथ से चले जाएगा, उसका मतलब ये भी नहीं है हर जगह आपको मुंह नहीं खोलना, उधर फालतू करना शुरू कर दी, जिसका आपका लेन देन नहीं है उधर जाके हाथ मत डालना, क्योंकि मैं बैलेंस करके जाना चाहता हूं, जिसका आपका लेन देन नहीं है उसको सजेशन मत देने दो, कटलेट के चक्कर बिरयानी के चक्कर कबाब के चक्कर में अपनी आशीष खोके ना बैठो। 2:11-12 2 की 11-12 यहूदियों ने विश्वासघात किया है और इजराइली इजराइल में और यरूशलेम में घृणित काम किए गए हैं, क्योंकि यहूदा ने पराई देवताओं की कन्याओं से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है अपवित्र किया है, जो पुरुष ऐसा काम करे उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। परमेश्वर कह रहे तुम लोग जिस लड़कियों के साथ, जिस फॉरेन गॉड को आराधना करने वाले लड़कियों के साथ संबंध बनाने जा रहे हैं, कहीं ये नहीं लिखा उनको भी मसीह में लिया हो जी, बस पास जी मैं बस ऐसी लड़कियों से, मेरा 2-2 साल की दोस्ती होता है, उनको मैं चर्च में ले आऊं, 2 साल उनसे दोस्ती रखता है, परमेश्वर तक पहुंचाता हूं, फिर मैं दूसरी लड़की ढूंढता हूं, मैं ऑलरेडी पहले का तो सेट कर लिया, बपतिस्मा भी दिलवा दिया, हमारी काम नहीं है, याकूब की टेंट से मैं बाहर करूंगा। याकूब की टेंट क्या है? परमेश्वर का ब्लेसिंग गॉड ऑफ जैकब के लिए, जैकब के लिए, जैकब का नाम इज़राइल रख लिया, बोले मैं उस टेंट में से बाहर करूंगा, उस फैमिली से तुझे बाहर करूंगा, ब्लेसिंग किसके लिए? केवल इज़राइल के लिए, केवल याकूब के संतानों के लिए ब्लेसिंग है, अन्य जातियों के साथ रिलेशन बनाने के टाइम परमेश्वर ये कभी नहीं बोला उनको जबरदस्ती नहीं किया जी करवाओ, तुम संबंध बनाने जाओगे, इसराइल की बहुत बार आप हिस्ट्री में देखेंगे, इसराइली जो बंदों का जो हाइट है नॉर्मल है, हमारी जैसे हाइट है, बट अलग अलग जगह देश में जाने के टाइम में लंबी लड़कियों में देखते थे, जैसे आज काला बंदा गोली चिट्टी को देखे उसका मुंह खुल जाता है, उनका भी मुंह खुल जाता था, अरे भाई साहब ये लंबी सी लड़की बहुत स्मार्ट दिखती है चल इसके साथ रिलेशन बना, ये सब करके मेरे आशीष के लिए नहीं आना, बस उसके साथ सेटल हो जा तू। परमेश्वर हमें क्लियर कट बात है, ये सब करके अपन कवेनेंट क्या करते हैं तोड़ता है, तोड़ डालता है,
कवनेंट मैंने आपको समझाया, यहोवा ने मेरे और आपके साथ बनाया, इज़राइल के साथ बनाया कवनेंट, मेरे और आपके लिए भी है, यीशु के लहू के द्वारा मैं और आप जुड़ चुका है उस कवनेंट पे। हर बार अपने करते हैं, टूटते 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 जा रहे हैं, ये नहीं सोचना है भाई उसके लिए करे इसके लिए नहीं, मैं आपके लिए कर रहा हूं, मेरे लिए भी कर रहे होंगे, दूसरे का देखना बंद करो, अपने आप मैं कैसे अप्लाई करूं, मैं कैसे कवनेंट ना तोड़ दूं, डिसरेस्पेक्ट परमेश्वर के प्रोसेस में कैसे लेके ना जाऊं, इधर उधर क्यों ना माल खाना शुरू करूं, हर रिलीजियस प्लेसेस में क्यों, ये अलग फॉरेन वाइफ का मतलब ये हर जगह लंगर, हर जगह प्रसाद, हर फेस्टिवल, इसमें मैं नहीं जा सकता। जेकब का कवनेंट ये है, अगर आप कवनेंट के अंदर रहने, आपको पता है जा सकते हैं बैठ सकते हैं, आपको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, कहां तक आपका लिमिट है, क्या समाज में जो सिखाता है उसी के अकॉर्डिंग कैसे चलना है। हो सकता है आपको लेंगे यार ये खट्टर वाली बात है, मेरे पास कोई नहीं होंगे, परमेश्वर चाहिए दुनिया चाहिए। 2:13-16 जब आपने मला के अब तक तब तक इसलिए खोला होगा जो टाइथ वाली वर्ड्स पढ़ने के लिए खोला होगा ना पूरी जिंदगी में, जो बंदा बहुत बार हम टाइथ ऑफरिंग के लिए बनाने के लिए उनको मौका देते हैं चर्च में, वो एक वर्ड्स ढूंढ के आता है क्योंकि पढ़ता तो नहीं है, प्रिपेयर नहीं करता, उस टाइम गूगल में जाएंगे टाइथिंग वर्ड्स उठाएंगे पट्टी पढ़ाएंगे, लास्ट ज्यादा है, पहले तो कभी मला की नहीं पढ़ा होगा आपने, प्रिपेयर नहीं करेगा तो मला की लेके चलेंगे जिम में, उसका मतलब ये नहीं है मला की आगे बोलना नहीं है, क्योंकि सबसे पावरफुल टाइथ और ऑफरिंग के बारे में वर्ड्स मला की में ही है, कंटिन्यूसली हम प्रीच करेंगे हम बोलते रहेंगे। बट और भी चीज इसी चैप्टर में कहते हैं परमेश्वर कवनेंट के बारे में, पूरा कवनेंट है तू ये तोड़ेगा मैं ऐसे करूंगा। 2:13-16 फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आह भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरा और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिसे तूने विश्वासघात किया है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। 16 द्वारा पढ़ना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यों कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। इस वजह से सिंपली परमेश्वर कह रहा है, अगर तुमने डाइवोर्स कर दिया तो मेरी कवनेंट को तोड़ दिया। बोलेंगे ठीक है मैं तो डाइवोर्स तो नहीं करता, बट घर वाली बाहर वाली ऑफिस वाली 3-4 तो रख ही लेता हूँ। परमेश्वर कहता है तू ऐसे काम करेगा तो भी तू गलत काम कर रहा, तू मेरी प्रोटेक्शन, तू कवनेंट के बाहर हो। और एक ये भी लिखा है, तूने वायलेंस किया जिसको तूने प्रोटेक्ट करना है, बीवी के ऊपर हाथ उठाया, हस्बैंड को परेशान कर दिया जिसको प्रोटेक्ट करना है, वायलेंट आप कवनेंट को तोड़ रहे हो, समझ रहे हो? बीवी के ऊपर हाथ उठाने वाले जितने भी भाई लोग बैठे, आप कर दिया, क्या हो गया? जेब कब कब की टेंट के अंदर से बाहर आ गया, परमेश्वर के पास दोबारा रोके मत जाना। इसमें 13 में क्या लिखा है, तुम तो ऑल्टर में इतनी पानी बहाते हो भाई साहब आंसुओं से और फिर ये सब काम करते हो, और तुम भूल जाते हो अपनी जवानी की बीवी को। जवानी की बीवी मतलब ये 50 या 60 साल के होने के बाद जब पैसा हाथ में आता है आदमी को, लगे भाई बीवी अभी स्टैंडर्ड का नहीं है। अंग्रेजी में एक वो है, व्हेन यू आर पुअर Your wife become your secretary. When you are rich, your secretary becomes your wife. आप गरीबी में कोई नहीं है, आपकी बीवी आपका सेक्रेटरी का पूरा काम करता है, आपको याद दिलवाते हैं, आपको मंत्री का काम करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। जब पैसा कमा के 50-60 साल का हो जाता है, तब 24 साल की जो नया सेक्रेटरी ऑफिस में जो भी किया उसको बीवी बनाना चाहता है। परमेश्वर इसराइल के परमेश्वर ये कह रहे हैं, अगर तू ये करेगा मैं कवनेंट के बाहर हो गया। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लोग कर रहे हैं अभी डिवोर्स कर रहे जी जा रहे हैं,
केयरफुल रहो, हो सकता है इसी के बारे में हम अगला 50-60 साल ही बात ना करो इस सब्जेक्ट के ऊपर, बट आपके मन में रहे, जब डिवोर्स आएगा, जब वाइफ के ऊपर हाथ उठाने सोचेगा आप, जब वायलेंट करेगा, गलत बातों में सोचेंगे, इज़राइल के परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, चार जगह संबंध रखेंगे 50 जगह में, ऑफिस वाली बार वाली, परमेश्वर आपके साथ नहीं होंगे, आई एम सो सॉरी। अलग अलग तरीके से आप कवेनेंट तोड़ते जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ नहीं होंगे। 3:14, तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे चौक का पहरावा पहने हुए चलते हैं, इससे क्या लाभ हुआ है? परमेश्वर को बहुत बार बहुत सारे विश्वासी जब गलत काम करने के बाद, प्रॉब्लम्स करने के बाद एक बात बोलना शुरू करते हैं, यार क्या अमीर लोग, विश्वासी क्रिश्चियन लोग ही खाली प्रॉस्पर कर सकते हैं क्या? हमें क्यों करना पड़ता है, संडे जाना पड़ता है, टाइट डालना पड़ता है, आराधना करना पड़ता है, हाथ ऊपर नीचे करना पड़ता है, फास्टिंग रखना पड़ता है, जब गलत रास्ते से ये भी वही पूछ रहा था, हमें क्यों यार ये सब झेलना पड़ता है, इतने रिक्वायरमेंट्स क्या है? अपन लोग सोचते हैं हमने नया नया वर्ड लेके आया, इनके पास भी है बाइबल, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ये भी सारे चला के लेके जाते थे परमेश्वर के प्रोसेस में, पूछ रहे थे हमें क्यों इतनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, हमें वर्शिप क्यों करना पड़ रहा है जी? परमेश्वर कहते हैं ये सब करेगा तो मेरा प्यार जो मैं तुझे देना चाहता हूं इस सबसे तू बाहर है। हमें रिक्वायरमेंट्स है, आपकी हर घर का रूल होती है ना, कुछ घर में लड़कियां 6 बजे कमरे में घुसना है, कुछ घर पे 10 बजे तक आएगा तो मम्मी पापा को बोलेंगे अरे बेटी नहीं जाया, जरा फोन कर दो, 11:30 तक आराम से आएंगे, कुछ घर पे 6 बजे के बाद ट्यूशन के बाद इसी टाइम है, लड़कों को भी लड़कियों को भी, लड़कों को हो सकता है 7 बजे, लड़कियों को 6 बजे, ऐसे प्यार में ऐसे कवरिंग में ऐसे कवरेज में क्यों रूल है उस घर का, ऐसे करना है ऐसे रहना है क्यों, तभी वो बाप की ब्लेसिंग्स आप एंजॉय कर सकते हैं, उस घराना की अनुग्रह आप एंजॉय कर सकते हैं। इस टाइम में नहीं घुसेंगे, पापा को पता है ऑलरेडी मैंने गलती किया, दारू पीता था 8-10 बजे तक, पापा बोलता था सुनता नहीं, बट मेरे को मेरा बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। रिक्वायरमेंट हर घर का है, कलिशिया का रिक्वायरमेंट है, परमेश्वर का रिक्वायरमेंट है, यीशु के पीछे चले, आशीष चाहिए तभी वो हमें नया अनुग्रह आशीष के साथ खड़ा करेगा, जो दूसरी लोग देखे वाह वाह बोलने वाली ब्लेसिंग्स हमारे पास आएंगे, हर 10 साल में हमारी जिंदगी चेंज होगी, जो आपके साथ जिंदगी शुरू की आप भी 2 BHK घर खरीद पाए, हो सकता है आप 30 तक भी खरीद पाए, बट 40 में तो आप बंगला में होंगे, उसने 10 साल में उल्टा फुल्टा काम कर लिया 2 BHK खरीद पाए, आप सही परमेश्वर में चला 20 साल लग गया अपनी घर में अपनी खोटी पे आया, टाइम लगते होंगे परमेश्वर के प्रोसेस में आड़े और खड़े रहेंगे। उसके बाद ये भी नहीं है, मैं जब परमेश्वर जिंदगी में आशीष नहीं लेके आता है अपने एक बात बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आशीष है, साथ में कहाँ चलते हो ना, टाइम देते हो ना, ऑफरिंग देते हो ना, चर्च जाते हो ना, फास्टिंग करते हो, यीशु मसीह क्रॉस लगा दिया, टांग लिया, नाम अपना मैथ्यू मार्ट रख लिया, बस उसके बाद हो गया, यीशु के पीछे चलते हो। मैं कुछ लोगों से ऐसे बोलते नहीं खुला, बट बोलते ना मैं यीशु के पीछे हूँ जी, मैं परमेश्वर के पीछे हूँ जी, मेरी जिंदगी में आशीष नहीं है, मैं बहुत बार बोलना चाहता हूँ तो कौन सी पीछे चल रहा है, बट यीशु मसीह का बात आता है, पीटर ने पूछा मैंने सब कुछ छोड़ा जी आपके पीछे चला, यीशु मसीह ने ताना नहीं मारा, यीशु मसीह ताना मारते ने क्या आप छोड़ा भाई, एक बोट छोड़ा और एक वो नेट छोड़ा, ये छोड़ा तूने, परमेश्वर ने ताना नहीं मारा। बहुत बार मैं भी वो सेम एक्सिबिट करना चाहता हूँ यार, प्यार से बात करेंगे, हमारी परमेश्वर ताना मारने वाला नहीं, हम भी ताना नहीं मारेंगे, इसलिए सच में बट उसमें बाद में रियलिटी है, क्या दिया परमेश्वर को, ना फास्टिंग ना प्रेयर ना वॉलंटियरिंग, ठीक है जी मैं नौकरी नहीं हूं मेरे पास, घर हाथ है सुबह आके वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, तो कुर्सी लगा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, फिर बोल दो परमेश्वर मैं 2 साल से तेरी कुकिंग टीम में था, मैं रिसेंटली एक टेस्टिमनी सुना था, बैंगलोर में एक पास्टर है रेवरेंड जॉन वर्गीज, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा अंग्रेजी कलीसिया उनकी चर्च में, शायद मैंने शेयर भी किया है काफी लोगों से, बोलते जब भी संडे आते हैं एक सुबह सुबह जो प्रोफेशनल ड्रेस में मतलब पैंट ऊपर करके जो लड़कियों के जो प्रोफेशनल पहनता है ना जो ब्लेजर प्लस नीचे जो पैंट होती है वो सब ऊपर करके एक लड़की और 3-4 लोग खड़े होके बाथरूम साफ किया जाता है। बोलते 3-4 हफ्तों से मैंने देखे गया, मैंने सोचा यार ये कौन है इतनी ड्रेस में आके बाथरूम ही साफ कर रहा है। बोला मैं गया उनके पास पूछा, तब बोला जी मैं एयरपोर्ट में काम करता हूँ। बोलते कौन सी एयरपोर्ट में क्या करता हूँ? बोलते जी मैं इसी एयरपोर्ट में काम करता हूँ। उसने सोचा ठीक है एयरपोर्ट में कोई हैंडलिंग कोई रिसेप्शन में। बोलते और क्या करते हो आप? डिटेल्स बोलते हैं। लास्ट में पता चला इंडिगो की कैप्टन है लड़की, वो है पायलट है 24-25 साल का। उसने सेवा कंटिन्यूअसली करता रहा। पास ने बोला 6 महीने के बाद फिर मैंने उसको मिला।
और उसके मेरे साथ और भी 3-4 पास्टर्स थे और भी विश्वासी थे, वो उधर ही साफ कर रहे थे, उसके साथ और भी लड़कियां था। बोलते उसने इतनी इतनी टेस्टिमनी बोलना शुरू कर दी उसके आशीष की अनुग्रह की पर्सनल लाइफ में। तो जैसे वो लड़की चला गया, आसपास की और विश्वासी पूछे, पाशी हम भी बहुत टाइम से चर्च में आते हैं आपके, ये आशीष हमारे साथ नहीं है। उसने बोला वो झाड़ू ढूंढो जो उसने अभी साफ करके रखा है, वो झाड़ू उठा लो। उसकी जिंदगी में जो आशीष क्यों है, वो पायलट क्यों बन गए, वो झाड़ू उठाया, बाथरूम साफ किया। हम तो बस घूम ही रहे, दिखा रहे परमेश्वर को। कभी कभार कोई झाड़ू उठाना पड़ेगा किसी का जो ऑलरेडी सेवा कर रहा है, कोई कुर्सी, कोई किचन के बर्तन, ये सेवा करेंगे तब जाकर परमेश्वर हमारी जिंदगी का कार्य करेगा। नहीं तो दूसरी मेरी भाई की जिंदगी, हम दोनों मसीह में एक ही टाइम आया, वो तरक्की पे अपन गिरते जा रहे हैं। हम भाई पे साइकिल पे आ गए जी, नौकरी पे चला गया, बीमारी के ऊपर बीमारी। ये नहीं बोल रहा बीमारी परेशानी आएंगी हमारी गलती पापों की वजह से, परमेश्वर टेस्ट करने के लिए लेके आता, जैसे जॉब की जिंदगी में लेके आया। बट बहुत टाइम इस टाइम हमें देखने का टाइम है, क्या जॉब तब बोल सकता था कॉन्फिडेंस है मैंने गलती नहीं किया, परमेश्वर जॉब और परमेश्वर का बात चलने के टाइम वो आड़े और खड़े रहा, बोलते मैं गलती नहीं की आप जानते हो। इसलिए हम भी खुला बोल पाए परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर मैंने गलती नहीं किया, ठीक है मैं जानता हूँ टेस्ट है मेरी जिंदगी में, मैं आड़े और खड़े हूँ मेरे विश्वास में। अलग अलग तरीके से लोग कवेनेंट तोड़ते, उस वाचा को तोड़ते, मैंने आपको बता दिया आपको अप्लाई करना है। डिसरेस्पेक्ट कहां कर रहे हैं, बीवी के साथ कहां गलत कर रहे हैं, डिवोर्स तो अभी तक हुआ नहीं, बस ऑफिस में एक व्हाट्सएप वाली गर्लफ्रेंड चैटिंग ही चलता है बस, ये सब सोचना है, फोटो छुपा के रखा है, कहां रखा है, सब देख के फिर परमेश्वर के प्रेजेंस में आना है। अगली बार ओल्ड जब ऑफरिंग देने के टाइम में पैसा होता होने के बाद डालना है परमेश्वर के प्रेजेंस में। कोई सेल चले, कोई आईफोन चले, कुछ भी चले, परमेश्वर मेरा कमिटमेंट है। नहीं तो जो आईफोन खरीदा है ऐसे 6 महीने के बाद नौबत आने वाला है, आईफोन ही बेचना पड़ेगा। कुछ भी कर सकते हैं परमेश्वर। इसलिए आज जो वचन आपको दे रहे हैं आपकी हड्डी में, जान में, सोल में, आत्मा में जाना चाहिए, परमेश्वर मैं ऐसे नहीं करूंगा और पार्शियलिटी भी नहीं करूंगा। जहां मुझे एडवाइस देने उधर मैं एडवाइस दूंगा, जहां गलत रास्ते से मेरा भाई मेरा बहन जाएंगे तो मैं एडवाइस दूंगा विद लव। जो सामने वाला सोचे वो बिरयानी खाने के लिए 4 बंदा और नया ढूंढेंगे, ढूंढ दे आपका ताज वाना में ब्रेकफास्ट सेट है करेगा वो, बिरयानी वाला चला गया तो खुद का पैसा देगा। क्लियर कट बोलो, गलत है भाई गलत है, ब्लेसिंग जान दो, कटलेट पफ्स जान दो, जूस जान दो, वो 2-3 साल की दोस्ती है, परमेश्वर देगा वो फॉर फ्यूचर देगा। लास्ट मलाकी 4:1-14 कम्युनियन के लिए भी तैयार होंगे इसी टाइम, इस वजन कम्युनियन के लिए, क्योंकि जो कम जजमेंट और कवेनेंट रिन्यूअल, परमेश्वर की जजमेंट आएगा और कवेनेंट को रिन्यू करना चाहता है, तो आप इसी टाइम में परमेश्वर में आज मैं आपको मौका देना चाहता हूं, आज की दिन में आप रिन्यू कर सकते हैं परमेश्वर के साथ। कल की बात गया खत्म, अभी तक सुबह तक जो गलत काम व्हाट्सएप में चैटिंग चल रहा था डिलीट हो सकता है, परमेश्वर आज इसी टाइम से इसी मोमेंट से नया जिंदगी शुरू कर सकते हैं आपकी जिंदगी में, वो कवेनेंट रिन्यू कर सकते हैं आपके साथ। आप कम्युनियन लेते हुए आज अगर आप मसीह को अपना जीवन दिया परमेश्वर के रूप में, बैप्टिज्म लिया हुआ आपने, फिर आप मसीह के साथ आप कवेनेंट रिन्यू कर सकते हैं, परमेश्वर मैं आज इस कम्युनियन में पार्ट ले रहा हूं, इस जूस रोटी लेके मैं आज दे रहा हूं, मेरे साथ रिन्यू कर परमेश्वर। मलाकी 4:1-4 क्योंकि देखो बदलते हुए भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुचारी लोग अनाज की खोटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फदोगे, तब तुम दुष्टों को ताड़ना डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। आइए वर्शिप टीम में आ जाइए, हम एक आराधना के गीत में जाएंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, और ये वर्ड आपको दोबारा पढ़ना है अभी ऑल्टर में।
परमेश्वर आने वाले टाइम की हमें वार्निंग दे रहे हैं, ऐसे दिन आने वाले, ऐसे नौबत आने वाले, उससे अच्छा पहले ही है परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाओ। किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं है, मेरे मुझे जहां आदर देना है उधर आदर दो। सब जन अपने पैरों में आएंगे, कलिशिया जो कमीने ले रहे वो नहीं है, सब जन, सब जन। हो सकता है आपने बैप्टिज्म नहीं लिया, आपके पास हो सकता है मौका नहीं है आज कम्युनियन के साथ रिन्यू करने के लिए, आप बैप्टिज्म लेना चाहते हो सकते हैं, इस ठंडे वेदर में भी मैं दूंगा आपको, मिल सकते हैं आप, इसके बाद हम अरेंज करेंगे उसके लिए भी, पर आप आज की कम्युनियन में पार्ट नहीं ले पाएंगे आज की प्रभु भोज में, अगर आपने बैप्टिज्म लिया नहीं है, पानी का बैप्टिज्म छिड़का हुआ नहीं है, पूरा डुबकी कंप्लीट इमर्शन जो यीशु मसीह ने लिया है, छिड़का हुआ नहीं है, वो तो प्रीस्ट लोगों ने अपनी फैसिलिटी के लिए बना दी बस, जो बाइबल बैप्टिज्म की बात कर रहा हूं मैं। मलाकी 4:1-4 दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि देखो वह लटकते हुए भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा की यह वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फटकोगे, तब तुम दुष्टों को ताड़ना डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे के राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इसराइलियों के लिए उसको हारेब में दिए थे, उसको स्मरण रखो। आमीन। इसमें लिखा हुआ है रिमेंबर द लॉ आई गेव टू मोसेस, मूसा को जो मैंने लॉ दिया उसका ध्यान रखो। यीशु मसीह ने जो लॉ हमें दिया प्यार करने का, कवेनेंट में रहने का, डिसरेस्पेक्ट ना करने का। परमेश्वर बहुत बार हम कलीसिया में आता है, यीशु के साथ एक संबंध बनाना शुरू करते हैं, दो चार गाना गाते हैं, हम सोचते हैं बस यीशु अपना भाई है, अपने भाई है जरूरत के टाइम है, बट ये बोलना मत वो किंग है, ग्रेट किंग है, दुनिया का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ताकत उसके वचन में ताकत है, उसकी इंस्ट्रक्शन में ताकत है, ये भूलना मत बहुत बार। डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, अपने वाइफ के साथ हाथ नहीं उठाना, डिवोर्स नहीं करना, जवानी की युद्ध को अपनी वाइफ को भूलना मत, 50 जगह नहीं हाथ फेर मारना, कमिटमेंट में रहना, अपनी ऑफरिंग के टाइम में जो परमेश्वर को देते हैं उसको डिफाइल नहीं करना, खराब ऑफरिंग लेकर परमेश्वर के प्रोसेस में ना जाना, बट उसकी बात नहीं कर, हो सकता है आपकी हाथ में लास्ट 1 रुपया फटा हुआ नोट है, परमेश्वर वो 2000 रुपये से ज्यादा माना रखता है वो, बट ये वचन के ऊपर कलिशा में ज्यादा ध्यान है, चिल्लड़ को भी परमेश्वर प्यार करते, इसलिए कलिशा में ऑफरिंग चिल्लड़ी रह गया। उस एटीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, दोनों डिफरेंट एटीट्यूड है। आज एक आराधना के गीत गाएंगे आपको, मैं हर बार आपने देखा होगा सर्वन के बाद मैं चांस देता हूं एनालाइज करने के लिए, खुद मौका देखने के लिए मैंने क्या कमिटमेंट किया, गलत किया, दूसरे को देखने के लिए नहीं, मियां बीवी आए तूने किया, इधर उधर देखने के लिए, तेरे तेरे लिए हो रहा, इसके लिए नहीं हो रहा, किसी के लिए नहीं हो रहा, परमेश्वर की वजह आप ही के लिए हो रहा है। अपनी अपनी जिंदगी मुझे सेट करना है, मेरा भाई की चाचा का, अपनी वाइफ को भी आप आदत सिखा नहीं पाते, खुद सेट हो जाओ। यीशु आपसे प्यार करता है, आपको तभी तो लाया गया इसी कमरे में इसी टाइम में, हम लास्ट में प्रार्थना भी करेंगे आपके लिए, बट जिस यीशु के पीछे चलना इजी काम नहीं है, बट बहुत अनुग्रह की काम है। आज कम्युनियन की पहले जैसे पास्टर जी अभी कम्युनियन आपके हाथ तक पहुंचाएंगे, आप कम्युनियन रिसीव करके परमेश्वर के पूछो, प्रभु मैं आज रिन्यू करना चाहता हूँ मेरी कवेनेंट, उस वादाओं को, उस वाचाओं को मैं तेरे साथ बनाया प्रभु, 1 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, मैं इसको दोबारा रिन्यू करना चाहता हूँ, मेरा मसीहा बनके तू मेरी जिंदगी में कार्य कर, दोबारा मुझे जैकब का टेंट में एंट्री दो, री एंट्री दो, याकूब की टेंट में हमारी एंट्री खत्म हो चुका है, दोबारा मुझे एंट्री दो। परमेश्वर माफी मांग सकते हैं परमेश्वर से, अपनी ग्रेस से मांग सकते हैं।